गया में ऑर्थो एंड न्यूरो फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन आयुक्त मगध प्रमंडल मयंक बरवड़े के द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला के सिविल सर्जन के साथ अनेक चिकित्सक कर्मी उपस्थित थे। इस फिजियोथेरेपी सेंटर के भौतिक चिकित्सक इमरान खान एवं डॉक्टर मेहंदी हसन खान ने बताया कि आज के रहन सहन खान पान जीवन शैली का एकमात्र उपचार फिजियोथेरेपी माध्यम के नए तकनीक व्यायाम एवं उपकरणों से की जाती है। इन उपकरणों का प्रयोग कमर दर्द, घुटना दर्द, प्लास्टर के बाद जोरों का जाम होना या ना होना, पोलियो जैसी बीमारियों में इनका प्रयोग किया जाता है। इस फिजियोथेरेपी सेंटर का खास उद्देश्य डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट बनाना है। इस अवसर पर वरीय पदाधिकारी, गणमान्य लोग एवं अनेक चिकित्सक उपस्थित थे। ब्यूरो न्यूज़ बिहार के लिए गया से आशीष कुमार। मैं डॉक्टर मोहम्मद इमरान, फिजियोथेरेपिस्ट, प्रकाश नारायण अस्पताल। मेरा यहाँ पे नीरो फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर एक इनोग्रेशन डे है। हमारे डॉक्टर मेहदी असद खान जो साथ में यहाँ पे हम लोग फिजियोथेरेपी में जनरली जॉइंट पेन्स, पैरालिसिस वगैरह के लिए इलाज किया जाता है। एक्सरसाइज और इक्विपमेंट के माध्यम से, इलेक्ट्रोथेरेपी के माध्यम से आज के जो रहन सहन खान पीन में जो बदलाव आए हैं, चेंजेस आए हैं, तब्दीलियाँ आई हैं, उसमें कई तरह का समस्याओं लोगों को हो रहा है। मेडिसिन खाने से जो शरीर का दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उसका जो इफेक्ट हार्म्स पड़ रहा है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे फिजियोथेरेपी के माध्यम से निदान दिलाते हैं, उसका उपचार करते हैं। और हमारे खास करके अब इसमें जो है जॉइंट्स पेन और पैरालिसिस केस में जो पेशेंट लाचार हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं, उनके लिए हम लोग जो है एक स्पेशल प्रोग्राम करते हैं यहाँ पे बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की तरह। यहाँ पे हमारे यहाँ सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी जो फिजियोथेरेपी है, एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी के माध्यम से हम लोग यहाँ पे SWD, लेज़र थेरेपी, कपिंग थेरेपी, IA ASTM थेरेपी, PEMF थेरेपी के माध्यम से हम लोग यहाँ पे जॉइंट्स पेन और जॉइंट्स नस से संबंधित इलाज हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे जॉइंट स्टिफनेस, फ्रोजन शोल्डर, बैक पेन, नेक पेन, एक्सरसाइज थेरेपी, शोल्डर व्हील एक्सरसाइज थेरेपी, ओवरहेड पुली शोल्डर व्हील और क्वाड्रिसेप्स चेयर साइकिलिंग के माध्यम से हम लोग यहाँ पे लोगों का उपचार कर रहे हैं। और हमारी आशा है कि हम एक बेहतर सर्विस देने की कोशिश करेंगे फिजियोथेरेपी की, इस जो है बिजी शेड्यूल में, इस लाइफ स्टाइल में, खान पान के बदलाव, चेंजिंग में जो तकलीफें आ रही हैं उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। हाँ, ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं गया, बच्चा किसी न किसी तरीके से विकलांग हो, चाहे मानसिक रूप से होगा या शारीरिक रूप से होगा, तो उसको भी हम लोग बोस्टर न्यूरोलॉजिकल टेक्निक के थ्रू, NDT के थ्रू, बवाल के थ्रू हम लोग फिजियोथेरेपी के माध्यम से उसके डिसेबिलिटी को, उसके अपंगता को, उसको विकलांगता को हम लोग कम करेंगे और उसको आने वाले ज़िंदगी में, आने वाले समय में वो अपने पैर पर खड़ा हो, खुद से चले, खुद से बैठे, उठे, समय पर बच्चा, खास करके वैसे बच्चा जो समय पर बैठ नहीं रहा, क्रिक नहीं कर रहा, क्रॉलिंग नहीं कर रहा है ना, तो उसको हम लोग हर तरह से प्रमोट कर रहे हैं। अगर कोई विकलांगता है, अगर पोलियो किसी को है, पैराप्लीजिया हो गया, हेमिप्लीजिया हो गया, एक साइड पैरालिसिस मारा है, आपकी फी क्या है? हमारी फीस यहाँ पे जो है जिस तरीके से मैंने फर्स्ट डे की 300 और पर डे 200 है, लेकिन हम लोग इकोनॉमिकल कंडीशन पे भी रिहेबिलिटेशन करते हैं। अगर पेशेंट कोई सफ़र कर रहे हैं, पेशेंट के पास पैसा नहीं है, दे वांट टू टेक फिजियोथेरेपी इन माय सेंटर, आई हैव आल्सो फैसिलिटी फॉर दोज पेशेंट्स हु बिलोंग्स टू द पुअर। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ हर तरह की सुविधाएँ हैं। अगर इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छा नहीं है तो उनकी भी थेरेपी की जाएगी विद द हेल्प ऑफ इक्विपमेंट, उनकी मदद की जाएगी। हम लोग का मकसद है, उद्देश्य है डिसेबिलिटी को मिनिमाइज करना, इंडिपेंडेंट करना हमारा लक्ष्य है, कि किसी को इंडिपेंडेंट करें, डिपेंडेंट नहीं रहना है। अगर कोई विकलांगता की वजह से किसी पर डिपेंड है तो उसकी हम लोग को लक्ष्य उद्देश्य है कि उनको इंडिपेंडेंट बनाएं, उनकी विकलांगता को कम करें, मिनिमाइज करें, जहाँ तक कोशिश की जाएगी लोगों की। फिजियोथेरेपी में जो एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये है, मैं कहना चाहूँगा कि मेडिसिन जो है स्पास्टिसिटी, स्टिफनेस और रेंज ऑफ मोशन नहीं बढ़ा सकती, स्टिफनेस कम नहीं कर सकती, इतनी बेहतर ढंग से कम नहीं कर सकती। तो फिजियोथेरेपी के रोल में रेंज ऑफ मोशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, कि फिजियोथेरेपी विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी सपोर्ट हम रेंज ऑफ मोशन की सिचुएशन को बढ़ा सकते हैं। सबसे एडवांस जैसे लेज़र थेरेपी क्या, मेनिस्कल इंजरी होगी या नी जॉइंट पे बहुत सारा मेनिस्कल इंजरी होता है, ऐसे लिगामेंट इंजरी होता है, मिडिल कोलैटरल लिगामेंट इंजरी होता है, तो उसको हम लोग लेज़र थेरेपी के माध्यम से जो है उसको हम लोग क्योर करते हैं, उसको हम लोग जो है लाइनअप भी जो करेंगे पेशेंट्स को, उसको इसमें
लाइनअप की ट्रीटमेंट पेशेंट को सुविधा दी जाएगी और जो भी नई टेक्नोलॉजी की मशीन है मॉडलिटीज़ हैं वो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। वो प्री ऑपरेटिव जो कॉम्प्लिकेशन हैं या पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन हैं जो भी वो सारे यहाँ पे बेहतर इलाज किए जाएंगे। और जितने भी जैसे कि फिजियोथेरेपी में लो बैक पेन, सर्वाइकल पेन, शोल्डर पेन या स्टिफनेस, पोस्ट फ्रैक्चर स्टिफनेस वगैरह वगैरह ये सबकी सारी सुविधाएँ और ट्रीटमेंट बेहतर दी जाएंगी। सी पी है, हाइपोटोनिक टाइप का सी पी था ये बच्चा। हम लोग फ्रॉम सिक्स ईयर्स से मैं देख रहा हूँ ये बच्चा था, उठ बैठ नहीं कर पाता था, चलता था तो गिर जाता था, लेकिन नाउ ही हैज़ 55% डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, बट नाउ ही हैज़ टेकन एडमिशन इन सेंट्रल स्कूल विदाउट रिजर्वेशन, विदाउट एनी रिजर्वेशन ऑफ डिसेबिलिटी जो है। नाउ ही वर्क्स, नाउ ही कैन रन, अब जो हर तरह से चलता फिरता है, दौड़ता है, थोड़ा अभी भी है प्रॉब्लम जो फिजियोथेरेपी चल रहा है। ये हमारी जो है सेंट्रल बैंक की मैनेजर है सुरभि जी, इनसे पूछ लीजिए। मेरा तो इमरान सर के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हम तो अपने में बहुत सारा, मतलब हम लोग का ऐसा है ना कि इम्प्रूवमेंट बहुत देर से मिलता है, लेकिन और मेरा क्या होता है कि बैंकिंग हेक्टिक शेड्यूल के कारण एब्सेंट होता है, फिर भी मेरा अपने आप में बहुत अच्छा फीलिंग्स और बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। आपका नाम? सुरभि नाम। बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट मशीनों से इक्विप्ड है ये सेंटर, रिहैबिलिटेशन सेंटर। मैं बधाई देता हूँ डॉक्टर इमरान, डॉक्टर महनी हसन, जिन्होंने इनिशिएटिव लेके और ये सेंटर स्थापित किया। इससे मुझे लगता है पूरे गया गया शहर में या जिले में और उपमंडल में इससे लोगों को बहुत फायदा पहुँचेगा। काम है।